मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का आपके चैनल NS मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक बार हम फिर सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू रखते हैं और आज का हमारा मेथड इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म f(x)/fxdx। तो इस मेथड में हम fx को t सपोज कर लेंगे। जैसे ही इसको t सपोज करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने पर हमें f डैश x गिवन होगा, या फिर एक ऐसा फंक्शन गिवन होगा जिसमें हम x को कंप्लीट रिप्लेस कर लेंगे, यानी जो डिफरेंशिएशन फंक्शन है उसको कंप्लीट रिप्रेजेंट कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। सब स्टैंडर्ड फार्मूले, फार्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, या इसको हम लॉग सेक एक्स प्लस सी में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह फार्मूला नंबर 2, कोट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस सी। फार्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल log sec x प्लस tan x प्लस सी, या इसको हम log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 में भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल log cos x माइनस cot x प्लस सी, या इसको हम log tan x बाई 2 प्लस सी में भी यूज कर सकते हैं। ये चारों फार्मूले हम प्रूफ भी कर सकते हैं और इनको हम क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे सभी चारों फार्मूलों को। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी इक्वल लॉग सेक एक्स प्लस सी फार्मूले को हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स को हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की हेल्प से साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। अब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाले मेथड की हेल्प से कोस एक्स को हम टी सपोज करते हैं। कोस एक्स अब बहुत इसका डिफरेंशिएशन टी के विद रेस्पेक्ट करते हैं, साइन माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब साइन एक्स डी एक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं माइनस टी में, तो साइन एक्स डी एक्स को हम माइनस डी टी अपॉन कोस एक्स को हमने टी सपोज किया, वन अपॉन टी को माइनस लॉग टी प्लस सी, टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं लॉग कोस एक्स प्लस सी में। अब इसी तरह माइनस को यदि हम यहाँ से पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो कोस हमारा एक अपॉन कोस प्लस सी, वन अपॉन कोस को हम लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह हम फर्स्ट और सेकंड दोनों फार्मूले हमने प्रूफ कर दिए इसके, हैंस प्रूफ। अब हम फार्मूला नंबर 3, sec x dx इक्वल log sec x प्लस tan x प्लस c को प्रूफ करते हैं। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम sec x प्लस tan x से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। sec x प्लस टेन एक्स से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इस एक्सरसाइज के मेथड से एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी सपोज करते हैं, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब कंप्लीट में से सेक स्क्वायर कॉमन, सेक एक्स कॉमन, तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इक्वल डी टी।
तो ये फेयर वर्क है। अब sec x tan x, sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec x dx को dt में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस पूरे dx को dt लिख सकते हैं। इसको हमने कंप्लीट को t सपोज किया, dt अपॉन t यानी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log t। अब t की वैल्यू पुट करते हैं तो log sec x प्लस tan x प्लस c, दैट इज यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर वन, तो इसमें cos 2x का फार्मूला अप्लाई करके 1 को कैंसिल करेंगे, फिर अंडरवुड कैंसिल करेंगे स्क्वायर से, तो cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का अंडरवुड 1 से 1 कैंसिल, 2 को dx अपॉन cos स्क्वायर। अब cos स्क्वायर का अंडरवुड को हम sec लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन cos dx, तो 1 अपॉन cos को हम sec लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडरवुड 2 sec x। अब sec x का फार्मूला आने के कारण इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, जिसको हम फार्मूले की हेल्प से log sec x प्लस tan x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर वन का कंप्लीट ऑन। क्वेश्चन नंबर टू, इंटीग्रेशन ऑफ अंडरवुड 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx इज इक्वल टू, तो 4 ऑप्शन में से 1 करेक्ट आंसर हमें सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले cos x के फार्मूले अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इसी तरह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स। तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो ये 2 कॉमन लेके आपस में कैंसिल करने पर cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स। तो ये कैंसिल, cos स्क्वायर अपॉन cot साइन स्क्वायर को हम cot स्क्वायर x बाई 2 का अंडरवुड, अंडरवुड से स्क्वायर कैंसिल, cot x बाई 2 डी एक्स। अब cot x का हमने जो फार्मूला बताया था log साइन x, log cot x का जो फार्मूला बताया था log cos अपॉन साइन, log साइन x बाई 2, x बाई 2 के कारण इस x का कोफिशेंट 1 बाई 2 प्लस c, तो इसको हम 2 log साइन x बाई 2 प्लस c। अब ये इसमें a पार्ट बी सी कोई भी इसमें से वो नहीं, तो इसका डी यानी नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ टेन 2x, टेन 3x, टेन 5x dx। तो 2x, 3x, 5x में सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से टेन 5x को हम tan 3x और 2x में ऐड करके 5x के इक्वल। अब tan x प्लस y का फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, तो इसको हम tan 3x प्लस टेन 2x अपॉन 1 माइनस टेन 3x इंटू टेन 2x।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो टेन फाई एक्स माइनस टेन फाई एक्स इंटू टेन एक्स थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इक्वल टेन थ्री एक्स प्लस टेन टू एक्स। तो इस माइनस को राइट साइड में ले जाने पर प्लस तो टेन फाई एक्स इंटू टेन थ्री एक्स इंटू टेन एक्स ये माइनस में तो टेन फाई एक्स माइनस टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स। अब क्वेश्चन के अनुसार बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी है तो टेन फाई एक्स टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स डी एक्स। तो अब हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन बन गया। इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देते हैं तो टेन एक्स का जो फार्मूला है यहाँ पर लॉग सेक एक्स है तो इसको हम वन अपॉन फाई लॉग सेक फाई एक्स एक्स का कोफिशेंट अपॉन में इसी तरह माइनस वन बाई थ्री लॉग सेक थ्री एक्स इसको माइनस वन बाई टू लॉग सेक टू एक्स प्लस सी। तो अभी आज ही हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स को हम माइनस लॉग कोस एक्स या लॉग सेक एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस थीटा इंटू टेन एक्स प्लस थीटा इंटू टेन टू एक्स डी एक्स। अब इस टू एक्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वी नो दैट टू एक्स इक्वल एक्स माइनस थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा तो थीटा से थीटा कैंसिल होकर टू एक्स आ जाएगा। तब हम बोथ साइड टेन तो टेन टू एक्स इक्वल टेन एक्स माइनस थीटा प्लस टेन एक्स प्लस थीटा तो ये हमारा एक्स और ये वाई तो टेन एक्स प्लस वाई को हम फार्मूले के अनुसार टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई तो टेन टू एक्स इक्वल इसको हम टेन एक्स माइनस थीटा प्लस टेन एक्स प्लस थीटा अपॉन वन माइनस टेन एक्स माइनस थीटा इंटू टेन एक्स प्लस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन टू एक्स माइनस टेन टू एक्स टेन एक्स माइनस थीटा इंटू टेन एक्स प्लस थीटा इक्वल टेन एक्स माइनस थीटा प्लस टेन एक्स प्लस थीटा। अब इस माइनस को दूसरी साइड में ले जाने पर ये प्लस तो टेन टू एक्स टेन एक्स माइनस थीटा टेन एक्स प्लस थीटा तो ये दोनों इस साइड में आने पर माइनस में तो टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स माइनस थीटा माइनस टेन एक्स प्लस थीटा बोथ साइड इंटीग्रेटिंग वी हैव तो टेन टू एक्स टेन एक्स माइनस थीटा इंटू टेन
एक्स प्लस थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बन गया। अब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते हैं, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, तो इसको हम 1/2 लॉग सेक 2x माइनस लॉग सेक x माइनस थीटा माइनस लॉग सेक x प्लस थीटा प्लस सी। तो हमने यहाँ जो फार्मूला अप्लाई किया है लॉग टेन एक्स डी एक्स, तो जिसका माइनस लॉग कोस एक्स और लॉग सेक एक्स, तो मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किया है। ये भी कर सकते हैं, आंसर पे इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चल नंबर फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये ओनली एक्स है और नीचे एक्स माइनस ए है, तो साइन से साइन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इस एक्स को इसमें ए प्लस और माइनस करते हैं, यानी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए प्लस ए। तो इसका यूज इस क्वेश्चन में करते हैं हम, तो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स को हम एक्स को साइन एक्स माइनस ए प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा ए है, ये बी है, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए कोस ए प्लस कोस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब इसको इस टर्म से डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल कोस ए डी एक्स, तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, प्लस साइन ए को बाहर लिखते हैं कॉन्स्टेंट होने के कारण, और कोस अपॉन साइन हमारा कोट एक्स माइनस ए डी एक्स। तो ये कोस ए कॉन्स्टेंट है, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस साइन ए कोट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का कंप्लीट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी। ऊपर एक्स के साथ ए कॉन्स्टेंट है और अपॉन में एक्स के साथ बी कॉन्स्टेंट है। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब एक्स के साथ ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट आ जाएं, जिससे कि साइन को ऊपर वाले यानी ऊपर वाले फंक्शन को साइन से डिवाइड कर सके। तो सबसे पहले एक्स माइनस ए, इसमें बी प्लस माइनस करने पर, तो बी प्लस माइनस करने पर तो ये सेम रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी डी एक्स को एक्स माइनस ए को ये लिखते हैं, तो साइन एक्स माइनस बी प्लस बी माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी। अब ये हमारा ए हो गया, ये बी, तो साइन ए माइनस बी का भी अभी फार्मूला बताया था वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कोस बी माइनस ए प्लस कोस
एक्स माइनस बी इंटू साइन बी माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। अब साइन एक्स माइनस बी से इसको और इसको दोनों को डिवाइड करते हैं, साइन से साइन कैंसिल, तो कोस बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है वन डी एक्स प्लस साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है एक्स ना होने के कारण कोस अपॉन साइन को हम कोट एक्स माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स कोस बी माइनस ए प्लस कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस बी, यहाँ एक्स का कोफिशेंट वन है तो अपॉन में वन आएगा। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स। कोस एक्स को ओपन करके वन कैंसिल कर देंगे, फिर डायरेक्टली जो आज फार्मूले बताए वो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स, यहाँ साइन ए माइनस बी साइन एक्स, कोस ए माइनस कोस ए साइन बी का फार्मूला अप्लाई करके साइन एक्स से डिवाइड करके डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। यहाँ कोस एक्स को ओपन करके वन कैंसिल, कोस एक्स को ओपन करके वन कैंसिल, फिर अंडरवुड कैंसिल करके डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो बेटा मैंने आज इस वीडियो में 6 क्वेश्चन और 3 होमवर्क क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करवाए हैं, 3 होमवर्क क्वेश्चन आपको करने को दिए हैं। यदि ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा इंटीग्रेशन तभी अच्छी होगी जब आप खूब थोड़ा सा मैथ को टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे। बस बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।